सफेद सांप। बहुत अरसा पहले एक रहम दिल बादशाह जो दिलों पर हुकूमत करता था, सब उससे मोहब्बत करते थे। पर कोई एक था जो जानता था कि सल्तनत में ये सब कुछ जादू से हो रहा है। हर रात खाने के बाद उसे एक भरोसेमंद गुलाम के जरिए एक पकवान की सरबराही की जाती थी। वो गुलाम भी नहीं जानता था कि वो पकवान क्या है। एक दिन उसने जानने का फैसला किया। इसने पकवान को खोला और एक सफेद सांप देखा जिसे मार कर पकवान बनाया गया था। उसने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। तब उसने खिड़की के बाहर की आवाज सुना कि चिड़िया मलेका की अंगूठी खो जाने के बारे में बात कर रहे थे, जिसे झील में बत्तख खा गई थी। उसने बत्तख को पकड़ा और उसे काट कर अंगूठी निकाल ली और मलेका को दे दी। बादशाह ने उसे पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जहाँ पना, मुझे घोड़ा और सफर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं दुनिया देखने के लिए कुछ फासले तय करना चाहता हूँ। अब उसके पास जानवरों की बातें सुनने की ताकत थी। गुलाम खुशी से सवारी करते हुए जंगल में पहुँचा। तब वो तीन बेसहारा मछलियों के पास आया जो मातमी लिबास में थी। आ, क्या बदकिस्मती है कि हमें बेसहारा मरना पड़ रहा है। एक रहम दिल गुलाम मछलियों को उठाकर पानी में डाल देता है। हम तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी बदकिस्मती का बदला लेंगे। गुलाम अपना सफर रास्ते पर जारी रखता है। जब वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनता है और रास्ते पर चींटियों के पहाड़ के बाहर वो चींटियों के बादशाह को देखता है। ओ अहमक घोड़े, तू अपने भारी टापों से बेरहमी से हमारे लोगों को रौंद कर चले जा रहा है। क्या तुझे इसका इल्म नहीं है? हम तुम्हें याद रखेंगे। एक अच्छा मोड़ दूसरे का मुस्ताहिक होता है। जब वो दो बूढ़े कौओं के पास आता है जिन्होंने नौजवानों को अपने बचाव के लिए दूर फेंक दिया, वे नौजवान खौफ से चिल्लाते हैं, बेसहारा होकर अपने पर फड़फड़ाते हैं। हम कितने मजबूर चूहे हैं, हमें खुद से मुंतकिल होना चाहिए और अभी हम उड़ नहीं सकते। यहाँ भूखे पड़े रहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? गुलाम घोड़े से उतरकर तलवार के जरिए उनकी मदद करता है। वो तीनों कौवे सरगर्म और मुतमई हो जाते हैं। वो भूखे थे और गुलाम की तरफ देखते हैं। हम तुम्हें याद रखेंगे, एक अच्छा मोड़ दूसरे का मुस्तहिक होता है। वो एक बड़े शहर में पहुंचता है जहां बादशाह का सवार भीड़ के आगे ऐलान कर रहा होता है। बादशाह की बेटी को शौहर चाहिए। जो कोई भी उसका हाथ थामना चाहेगा उसे सख्त आजमाइश से गुजरना होगा और अगर वो नाकाम रहा तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। वो गुलाम महल के बाग में पहुंचकर बादशाह की बेटी को देखता है और उस पर आशिक हो जाता है और बादशाह से मिलता है और ऐलान करता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। गुलाम को कश्ती में बिठा कर बीच समंदर में ले जाया जाता है। बादशाह भी एक बड़ी कश्ती में साथ आता है। बादशाह अपनी अंगूठी पानी में फेंक कर शर्त का ऐलान करता है। अगर तुम अंगूठी के बगैर पानी से बाहर आए तो तुम्हें बार बार लहरों के हवाले करके बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। हैरत जदा और बेसहारा गुलाम खड़ा रहकर पानी के अंदर देखता है। तभी तीन मछलियां सतह पर आकर उसके हाथों में मिशल बांधकर मुस्कुरा कर चली जाती हैं। गुलाम उस मिशल की रोशनी में अंगूठी तलाश करता है और खुश होकर बादशाह को पेश करता है। मगर शहजादी गुस्से में होती है और दूसरी शर्त उसे शादी के लिए रखती है। गुस्सावर शहजादी गुलाम को बाग में ले जाती है जहां उसने 10 बोरी बाजरे के दाने शबनम की तरह हर तरफ बिखेरे होते हैं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये तुम्हें चुन कर इकट्ठा करने होंगे, इसमें से एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए। दानों को देखकर गुलाम ना उम्मीद और शिकस्ता होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। वो आंखें खोलता है तो उसकी नज़र 10 बाजरे से भरी बोरियों पर पड़ती है और चींटियों के बादशाह की कयादत में हजारों चींटियों को देखता है। खुशी से वो शहजादी की तरफ देखता है जो ये देखकर हैरत जदा है मगर मुतमईन नहीं है।
इस पर भी किसी तरह शहजादी का दिल नर्म नहीं होता। एक शर्त और तुम्हें पूरी करनी होगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ मोहतरमा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। तुम्हें मेरे लिए जिंदगी के पेड़ से सुनहरा सेब लेकर आना होगा। गुलाम हक्का बक्का होकर सुनहरे सेब की तलाश में सल्तनत से निकल पड़ता है। वो कई दिनों तक बेमकसद सफर करता है। वो जानता ही नहीं कि जिंदगी का पेड़ कहाँ है। वो थक जाता है, उसके जूते फट जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला करता है और आंखें बंद कर लेता है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है तीन कौवे उसके घुटनों के पास बैठे हैं और एक सुनहरा सेब उसके पेट पर रखा है। हम वही तीन जवान कौवे हैं जिन्हें तुमने भूख से बचाया था। अब हम बड़े हो गए हैं और हमने सुना है कि तुम्हें सुनहरे सेब की तलाश है। हम मुड़कर समंदर के पार दुनिया के आखिर में पहुँचे, जहाँ जिंदगी का पेड़ खड़ा था, और तुम्हारे लिए सुनहरा सेब ले आए। वो खुशी से सेब लेकर शहजादी के पास आता है। सेब देखकर शहजादी का दिल पिघल जाता है। वो सेब को दो हिस्सों में काट कर खाती है। वो दोनों शादी करके हमेशा खुश रहते हैं।